इस फिल्म की कहानी जॉनी सिंस के बचपन के कारनामों से इंस्पायर्ड है। अगर आप उनके बचपन के कारनामों के बारे में जानना चाहते हैं देन वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो वीडियो को यही बंद कर दीजिए क्योंकि आज कुछ ज्यादा होने वाला है। फिल्म का नाम है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स। तो कहानी शुरू होती है छोटे जॉनी सिंस को दिखाते हुए जिनका बचपन का नाम था रॉजर। 16 साल का रॉजर समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा होता है। उसे लेने के लिए उसकी मां ने अपनी एक मेड मिस लपिते को घोड़ा गाड़ी लेकर भेजा था। घोड़ा गाड़ी में अच्छी सस्पेंशन ना होने की वजह से मिस लपिते के खरबूजे उछल रहे थे, जिसे देखकर रॉजर के अंदर छिपा छोटा चेतन बाहर निकलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। मिस लपिते भी रॉजर की इरादे समझ चुकी थी बट उसने रॉजर से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हिलते हिलते रॉजर फाइनली अपने घर पहुंचता है जहां उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स उसका स्वाग से स्वागत करते हैं। तभी रॉजर की माँ की नजर उसके पैंट पर पड़ती है और वह पूछती है कि तुम्हारे पैंट पर ये रबड़ी कैसी। दरअसल मिस लपिते के खरबूजे को ताड़ने की वजह से रजत के छोटे चेतन ने अपने जवाब दे दिया था। तभी वहां मौजूद रजत की मासी उसे डिफेंड करते हुए कहती है, अरे जाने भी दो, इस उम्र में ये सब होता ही रहता है। और वो खुद अपने हाथों से रजत के पैंट पर लगी रबड़ी साफ करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि रजत की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है बर्था। बर्था रजत को जंगल की सैर कराने ले जाती है जहां रजत की मुलाकात मिस लपिते से होती है। मिस लपिते को अचानक जोर की लग जाती है और वो वही खड़े खड़े ही रजत के सामने पौधों को पानी देने लग जाती है। रॉजर मनी मन सोच में पड़ जाता है कि भैंस की आंख ये मैंने क्या देख लिया। इसके बाद रॉजर जंगल में ख्याली पुलाव बनाते हुए टहल रहा होता है कि तभी अचानक फिसल कर वो पासी की एक झाड़ी में गिर जाता है। वहां उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसकी ही घर की एक मेड उर्सुला किसी अनजान मर्द के साथ जंगल में मंगल करने में बिजी है। उर्सुला की नजर रॉजर पर पड़ती है और वो मुस्कुराने लग जाती है। रॉजर घबरा जाता है और वो तुरंत अपना पिछवाड़ा उठाकर वहां से भाग जाता है। रात को रॉजर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी माँ डिसिप्लिन के मामले में काफी सख्त होती है और बात बात पर रॉजर को टोकती रहती है। डिनर के बाद रॉजर अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी उसे अपने कमरे के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर झांककर देखने पर उसकी लिटरली फट के हाथ में आ जाती है। वो देखता है कि उसकी घर की एक नौकरानी हेलेन किसी दरवाजे के सामने झुकी हुई है और कोई हवस का पुजारी खड़े खड़े ही पीछे से उसका तबला बजा रहा था। फटाफट एक क्विकी करने के बाद हेलेन अपना कपड़ा ठीक करते हुए वहां से चली जाती है और यहाँ रॉजर किसी तरह अपने छोटे चेतन को संभालते हुए सोने चला जाता है। तभी उसे बर्था दिखाई देती है जो कि उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। बर्था उसे अपनी मौसी के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि हमारे मासी मार्गरेट अभी तक एक वर्जिन है। रॉजर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। बर्था कहती है कि मुझे हेलेन ने बताया था, वो हमारी घर की एक मेड है। रॉजर पूछता है कि हमारे मासी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बर्था कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने सुना है कि उन्हें मर्दों से बहुत डर लगता है। अगली सुबह बर्था रॉजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है जहां उसके घर के सारे नौकर नहाते हुए अपनी सीक्रेट शेयर किया करते थे। बर्था रॉजर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी उर्सुला और बाकी नौकरानियां वहां नदी के किनारे आ जाती है। दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। नौकरानियां आपस में पंचायत कर रही होती है तभी नदी के दूसरे किनारे से तीन रामू काका गुजर रहे होते हैं। ये तीनों भी रॉजर के घर के नौकर ही थे। तीनों पौधों को पानी देते हुए नदी के उस पार बैठी मेड्स को अपने अपने औजार दिखाने लग जाते हैं। उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी, वो भी जोश में आकर अपना तबला उन्हें दिखा देती है जिसे देखकर वो कहते हैं, ये सब चीज बर्था और रॉजर एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर रॉजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आई हुई है जिसका घर के सभी फैमिली मेंबर्स स्वाग से स्वागत कर रहे होते हैं। एलिसा सभी से गले मिलती है बट जब रॉजर की बारी आती है तब वो उसे सिर्फ हाय हेलो कहकर अंदर चली जाती है। रॉजर अपने साथ हुए इस भेदभाव के पीछे की वजह को समझ नहीं पाता और निराश हो जाता है। रॉजर की निराशी बर्था समझ जाती है और उसका मन हल्का करने के लिए वो उसे एक चर्च के अंदर लेकर जाती है जहां दोनों छत के ऊपर छुपकर अपनी मासी की बातें सुनने लग जाते हैं। उसकी मासी मार्गरेट चर्च के पादरी के सामने अपना पाप कन्फेस कर रही होती है। वो उस पादरी से कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो पादरी पूछता है कि क्या हुआ बेटी, मुझे बताओ। मार्गरेट कहती है, मेरा नेफ्यू रॉजर कुछ दिन पहले ही अपने स्कूल से समर की छुट्टी एंजॉय करने आया है और जब से मेरे नैना उसके नैनो से मिले हैं तब से मैं उसकी दीवानी हो गई हूँ। कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया है। ये सारी बातें छत के ऊपर छिपा रॉजर पूरे ध्यान से सुन रहा था। वो सोचने लगता है कि चलो कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में भी सोचता है। मार्गरेट के इन सब बातों को सुनकर पैदरी को नींद आ गई थी। रॉजर भी एक्साइटमेंट के मारे छत से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसका भांडा फूट जाता है। इसके बाद पादरी और मार्गरेट रॉजर की माँ को उसके बारे में सब बता देते हैं। रॉजर की माँ पादरी से पूछती है कि अब आप ही बताइए इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। पैदरी कहता है कि इसके पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाने चाहिए। रॉजर की माँ को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो रामू काका को बाहर से झाड़ की मुट्ठी लाने के लिए कहती है। फिर वो झाड़ की मुट्ठी मार्गरेट को पकड़ाते हुए कहती है कि ये काम तुम ही करो। तभी वहां एलिसा का फियोंसी रोलैंड पहुंचता है और वो रॉजर को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगता है। मार्गरेट पहले तो मना करती है
बट रॉजर की माँ के फोर्स करने पर पूरी शिद्दत के साथ वो रॉजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाती है, जिसकी वजह से रॉजर का पिछवाड़ा एक लाल टमाटर का रूप ले चुका था। ये कार्यक्रम घर की मेड उर्सुला और उसकी बहन बर्था बाहर से चिपकर देख रही होती है। रात को रॉजर उल्टा होकर सो रहा होता है क्योंकि फटके पड़ने की वजह से उसके पिछवाड़े इस हालत में नहीं थे कि उसका वजन सह पाए। तभी उसे फिर से अपने कमरे के बाहर बर्तन की खनखनाहट सुनाई देती है और वो लपक कर बाहर झांकने लगता है। वो देखता है कि इस बार भी हेलेन के पीछे कोई तबला बजा रहा था, बट अफसोस के साथ हम ऑडियंस को ये नहीं पता चल पाता कि आखिरकार वो मिस्टर इंडिया था कौन। इस बार रॉजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी इस नजारे का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। मिस्टर फ्रैंक मनीमन सोचते हैं, वाह क्या सीन है। तभी वहां उर्सुला आ जाती है और रॉजर से कहती है कि मैंने तुम्हें आज पिटते हुए देखा है और मुझे पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े में आईडेक्स लगा देती हूँ। रॉजर कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो? हर रात जब मैं सोने जाता हूँ तब मुझे हेलेन किसी के साथ अपना तबला बजवाते हुए दिखाई देती है। क्या तुम्हें पता है कि वो मिस्टर इंडिया कौन है? उर्सुला कहती है कि यह मेड्स की हर रात की कहानी है, ये एक टॉप सीक्रेट है, और वहां से चली जाती है। रॉजर सोच में पड़ जाता है कि साला सभी अपनी गाड़ियां तेजी से दौड़ा रहे, पता नहीं मेरी बारी कब आएगी। तभी उसे याद आता है कि हेलेन की पेलेन मिस्टर फ्रैंक भी तो देख रहे थे, उन्हें इस बारे में जरूर पता होगा। वो मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके कमरे में जाता है, जहां मिस्टर फ्रैंक अपने पैंट में हाथ डालते हुए दूरबीन की मदद से चांद सितारों का मुआयना कर रहे थे। रॉजर को अपने कमरे में देखकर मिस्टर फ्रैंक चौंक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर भी दूरबीन से चांद सितारे देखने की कोशिश करता है। उसे जमीन पर दो आत्माओं का मिलन दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि साला फ्रैंक तो उससे भी बड़ा ठरकी है। रॉजर इसी सोच में डूबा रहता है कि तभी उसे टेबल पर पड़ी एक किताब मिलती है। उस किताब में मियां खलीफा के फोन नंबर के साथ साथ दिलचस्प कहानियां भी लिखी हुई थी। रॉजर जल्दी से उस किताब को अपने पैंट में डालकर वहां से निकल लेता है। जब अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर कुछ गुटरों की आवाज सुनाई देती है। वो की होल से झांकने की कोशिश करता है, तभी एलिसा का फियोंसी रोलांड उसे झांकते हुए पकड़ लेता है। रॉजर उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत बताना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रोलांड भी इस मौके को ना गवाते हुए रॉजर से अपनी गाड़ी साफ करवाने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉजर एक घोड़े की अस्तबल में छुपकर वो अश्लील किताब को पढ़ते हुए अपने हाथ गाड़ी चला रहा होता है। तभी वहां एक रामू काका आ जाते हैं और रॉजर उन्हें देखकर एक कोने में छिप जाता है। कुछ देर बाद हेलिन भी वहां मुर्गियों को दाना डालने आ जाती है। रामू काका बातों ही बातों में हेलिन को उस खिड़की में फंसा देता है और पीछे से जाकर हेलिन का बैंड बजाने लग जाता है। हेलिन की नजर रॉजर पर पड़ती है और वो उसे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन जब रॉजर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तब हेलिन उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं साहब, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल हेलिन को भी रामू काका से बैंड बजवा के मजा आ रहा था। रॉजर को शक हो जाता है और जब तक उसे पता चलता है कि बाहर क्या खिचड़ी पक रही है तब तक रामू काका अपना काम कर चुके थे। अगले सीन में रॉजर अपनी बड़ी बहन एलिसा और उसके फियोंसी रोलांड के साथ बातें कर रहा होता है। तभी रोलांड रॉजर से कहता है कि देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से साफ कर दो, पर रॉजर ऐसा करने से मना कर देता है। रोलांड को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी माँ को रॉजर के बारे में से बता देता है। वो कहता है कि पिछली रात ये ठरकी आपके कमरे के बाहर ताकाजाकी कर रहा था। रॉजर की माँ ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो रोलांड से कहती है कि मैंने अपनी सारी बेटियों को अच्छे से संस्कार दिए हैं, पर पता नहीं ये लड़के को ये सब ज्ञान कौन दे रहा है। वो तुरंत रॉजर को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। रॉजर मौका देखकर अश्लील कहानियों वाला किताब को अपनी बहन एलिसा की किताब के साथ एक्सचेंज कर देता है। वो बाहर से छिपकर एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है। एलिसा भी उस किताब में मौजूद कहानियों को पढ़कर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इधर रॉजर का छोटा चेतन पैंट से बाहर निकलने के लिए आंदोलन पर उतर आया था। उसे शांत कराने के लिए वो सीधे उर्सुला के पास जाता है, जो कि किचन में अपना काम कर रही होती है। रॉजर लपक के उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है, बट उर्सुला को लगा कि किसी रामू काका ने उसे पकड़ा है। वो भी अपने आप को डिफेंड करते हुए रॉजर के माथे पर एक प्लेट तोड़ देती है, जिससे रॉजर को दिन में तारे दिख जाते हैं। उर्सुला देखती है कि अरे ये तो अपना रॉजर है। वो भी रॉजर को अपने साथ गपागप करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे देती है, लेकिन तभी एक मोटी सी मेड वहां आ जाती है और रॉजर अपना पिछवाड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। अब रॉजर का छोटा चेतन काबू से बाहर हो गया था। काफी सोच विचार करने पर उसे मिस लपिता की याद आती है। वो सोचता है कि किसी और के साथ हो या ना हो, मिस लपिता तो मुझे अपने खरबूजे जरूर खिलाएगी। वो दौड़कर मिस लपिता के पास जाता है और जाते ही उसे पीछे से पकड़कर धनाधन अपनी घोड़ा गाड़ी चलाने लग जाता है। मिस लपिता ऊपर ऊपर से इस बात का विरोध करती है, बट अंदर ही अंदर इसके मजे ले रही होती है। तभी एक डाकिया वहां चिल्लाते हुए आ जाता है और कहता है कि जंग छिड़ गई, जंग छिड़ गई, जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और एक बार फिर से रॉजर के छोटे चेतन की प्यास अधूरी रह जाती है, क्योंकि अगले दिन उस गांव के सभी मर्दों को जंग में जाना था। रॉजर की फैमिली पार्टी शादी करने लग जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक कहता है कि मैं युद्ध लड़ने नहीं जाऊंगा, मुझे अस्थमा है। रॉजर को जब ये बात पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर की सारी औरतें अकेली रहेंगी, तो वो अंदर ही अंदर भगवान को शुक्रिया कहने लग जाता है। अब रॉजर सभी के जाने का इंतजार करने लगता है, बट तब के टाइम में फ्रांस में एक रिवाज हुआ करता था, जब भी कोई जंग होती
तो उसमें जाने से पहले सारे मर्द अपने बीवियों के साथ जंगल में जाकर मंगल किया करते थे। आज की रात भी वही रात थी, सब जंगल में मंगल कर रहे थे और अपना रॉजर भी सभी को एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। अगली सुबह सारे मर्द युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे पहले रॉजर उर्सुला को अपने जाल में फंसाता है। उर्सुला का तो पहले से ही रॉजर से लगाव था, वो भी खुद को उसके हवाले कर देती है। रॉजर बिना टाइम गवाए पूरी शिद्दत से उर्सुला की अनबॉक्सिंग करने लग जाता है, बट उर्सुला ने पहने हुए होते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड कपड़े, वो उसे अनबॉक्सिंग नहीं कर पाता। बाद में दोनों एक साथ पूरी रात तक पलंग तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन बर्था रॉजर से कहती है कि हमारी माँ पादरी से कुछ कन्फेस करने वाली है, चलो जाकर देखते हैं कि उन्होंने कौन सा पाप किया है। उसकी माँ पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड रात को मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में गपागप करता है और मुझे भी इसमें बहुत मजा आता है, बट मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। पादरी कहता है, तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, इसे पाप नहीं कहा जाता। अगले सीन में हम नदी के किनारे बैठी रॉजर की मेड केट को देखते हैं। तभी अचानक रॉजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसा कर वही नदी के किनारे उसके साथ गपागप करने लग जाता है। अब रॉजर की हिम्मत बढ़ गई थी, वो अपने घर में मौजूद सभी महिलाओं के साथ संभोग करने का प्लान बनाता है। रॉजर के पापा कुछ दिन के लिए जंग से वापस आए थे, दरअसल वो एक कर्नल थे और कभी भी अपने घर आ जा सकते थे। रात में उसकी नजर अपनी मासी मार्गरेट और केट पर पड़ती है, जो कि उसके पेरेंट्स के कमरे के बाहर छिपकर उनका गुटर को देख रहे थे। रॉजर को अब किसी बात का डर नहीं था क्योंकि घर के सारे मर्द तो युद्ध लड़ने गए हुए थे। वो बेधड़क अपने पेरेंट्स के कमरे में घुस जाता है जहां उसके पेरेंट्स एक रोल प्ले कर रहे थे। वो रॉजर को अपने कमरे में देखकर बौखला जाते हैं और डांटकर उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मार्गरेट अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, बट तभी उसे अपने बिस्तर पर रॉजर लेटा हुआ दिखाई देता है। रॉजर मार्गरेट से कहता है कि मुझे पता है कि आप अभी तक एक वर्जिन हो, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। पहले तो मार्गरेट मना करती है, बट थोड़ी देर के चुम्मा चाटी के बाद वो खुद को रोक नहीं पाती और दोनों संभोग में लिप्त हो जाते हैं। इधर हेलिन फिर से चाय नाश्ता लेकर उस दरवाजे के सामने आती है, बट इस बार वहां से मिस्टर इंडिया गायब था क्योंकि घर के सारे मर्द जंग लड़ने गए हुए थे। कोई और चारा ना होने की वजह से हेलिन सीधे रॉजर के कमरे में चली जाती है। रॉजर उसे पूछता है कि तुम हमेशा इसी टाइम पर यहाँ क्यों आती हो। हेलिन कहती है कि मैं तो जस्ट चाय नाश्ता देने के लिए आती हूँ। फिर वो वहां से जाने लगती है कि तभी रॉजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाने लग जाता है। एक दिन बर्था रॉजर बगीचा में बैठे हुए होते हैं, तभी बर्था कहती है कि देखो कौन जा रहा है। रॉजर देखता है कि ये तो उसकी बड़ी बहन एलिसा थी। वो बर्था के इशारे समझ चुका था। वो तुरंत एलिसा के पास पहुंचता है जो कि घोड़ों को घास डाल रही थी। रॉजर एलिसा को भी अपने जाल में फंसा लेता है। पहले तो एलिसा जमकर इसका विरोध करती है, बट अश्लील कहानियां पढ़ने की वजह से वो भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों घोड़े के सामने ही गपागप करने लग जाते हैं। अब रॉजर के निकल पड़ी थी। घर की लगभग सारी औरतें लाइन लगाकर रॉजर के कमरे में जाती और खुद को संतुष्ट करके बाहर निकलती। कभी कभी तो रॉजर एक साथ तीन तीन मेड को भी शांत करवा देता था। एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रॉजर से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सुनकर रॉजर का माथा थनक जाता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि रोलैंड प्लेन में बैठा घर वापस लौट रहा होता है। दरअसल युद्ध खत्म हो चुकी थी और सारे मर्द वापस आ चुके थे। रॉजर अब सोच में पड़ जाता है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उर्सुला उसके पास आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कुछ देर बाद उसकी मासी मार्गरेट भी ये बात आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। रॉजर सोचने लग जाता है कि अगर जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय नहीं मिला तो फिर मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरी खड़ूस माँ मुझे पूरे गांव के सामने उल्टा लटका कर मेरी गोटियां कटवा देंगी। वो उर्सुला से एक लाल रंग का नेल पॉलिश लाने के लिए कहता है। फिर वो नेल पॉलिश को लेकर एलिसा के पास जाता है और कहता है कि तुम प्लीज रोलैंड को सेड्यूस करो और जैसे तैसे उसके साथ आज इंटीमेट हो जाओ। रॉजर फटाफट से एलिसा के बेड के ऊपर रेड नेल पॉलिश लगा देता है जिससे कि रोलैंड को लगे कि एलिसा अभी तक एक वर्जिन है। इसके बाद वो अपने मासी मार्गरेट के पास जाता है और उसे कहता है कि आप प्लीज मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, वो आपको बहुत चाहते हैं और आपका बहुत अच्छी तरह ख्याल भी रखेंगे। मार्गरेट भी मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सुला ने पहले से ही किसी और के साथ शादी करने का प्लान बनाया हुआ होता है। तीनों लेडीज की एक साथ ही शादी हो जाती है और किसी को कानो कान भी ये खबर नहीं लगती कि मर्दों की गैर मजदूकी में रॉजर ने क्या गोल खिलाया है। सुहागरात की रात एक आखिरी बार रॉजर हेलिन के साथ पूरी शिद्दत के साथ गपागप करता है। कुछ दिन बाद रॉजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वो अपने बोर्डिंग स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी हेलिन वहां आती है और उसे कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रॉजर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए एक हस्बैंड का इंतजाम कर दूंगा। हेलिन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो इस घर के कई मेंबर्स ने अपने कमरे में खींचकर मेरी तबला बजाया है, मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उसके ऊपर ही इल्जाम लगा दूंगी। अगली सुबह रॉजर अपनी बोर्डिंग स्कूल के लिए रवाना हो जाता है और दोस्तों मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 1986 में और IMDb पर इसे मिले हैं 5.8 आउट ऑफ 10। हैट्स अप टू द मेकर्स, पता नहीं कहां से ऐसे आइडियाज आते हैं मूवी बनाने के लिए। खैर, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।
देखो तबीयत खराब होने के बावजूद भी वीडियो ला रहा हूँ, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? एंड ऑल्सो साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।